सोलन में युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने इंटक के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह बाबा अपने बयानों से इंटक के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस और इंटक दोनों से हटा दिया गया है तो उसी बौखलाहट में वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर पा रहा है, वे मजदूरों के हितों का सम्मान कितना करता होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मौके पर युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने इंटक के पूर्व अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि हरदीप सिंह बाबा को जब इंटक का अध्यक्ष बनाया गया था, तब वे अपने कार्यकाल में मजदूरों के हितों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उनके गृह क्षेत्र में 3-3 बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि बाबा हरदीप अपने क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं रखते हैं और वे केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इंटक के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने कहा कि इंटक ने उन्हें युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और वे उसे बखूबी निभाएंगे और आने वाले चुनावों में कांग्रेस का भरपूर सहयोग कर उसे विजयी बनाएंगे। मैं बाबा हरदीप सिंह जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ उनसे कि हाँ, अगर आप कांग्रेस के इतने ही हितैषी हैं तो मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पिछले 3 बार से हमारी कांग्रेस की सीट क्यों नहीं आ रही है उस विधानसभा क्षेत्र से, जो विधानसभा क्षेत्र उनका भी है। और दूसरी बात यह है, जो व्यक्ति हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसी बात कर सकता है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, वो आम मजदूरों के साथ कैसी बात करता होगा? आम मजदूरों का तो वो मतलब बात करने का कोई उनका ये तो तरीका ठीक नहीं है, पार्टी में रह के ऐसे बात करेंगे। इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ मजदूरों को शोषित किया है, बाकी हम आने के बाद मजदूरों का पूरा हित का ध्यान रखेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और पूरी इंटक इकट्ठा होके एकजुट होके कांग्रेस पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।